हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे? बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़े नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना नेटवर्क में, इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है वो, लेकिन नेटवर्क में आ जाओ। अबे चल बगा। सॉरी। हेलो बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बहुआ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों वेट कर रहा है यार? मैं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, मुंह मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो चिड़िया। हाँ चिड़िया बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ दो बत्तमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। हाँ चिड़िया उड़। कौआ। हाँ कौआ भी उड़। कबूतर। हाँ कबूतर भी उड़। मोर। मोर भी उड़। बे तोता। तोता उड़। बत्तख। बत्तख उड़। चमगादड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले सॉरी बत्तमीज, सुनिए। हेलो। हाँ बोल। ठीक है। हेलो कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो कहता है हो गया ठीक है, एक ही कौआ है का? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ के बउआ उड़ नहीं बोल रहे आप क्या? इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेसु? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ है क्या? वाह बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन हो गया? कैसे रोशन हो गई जानना चाह रही, सब लोग जानना चाह रहे, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन। हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे राइट बउआ भैया, थैंक यू वेरी मच। फोन नाम रोशन किया आपने। हेलो, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, जल्दी जल्दी। हेलो कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल, बहुआ बोल रहा हूँ। ले आओ जल्दी, ले आओ। हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छू एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक भैया, लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ आगरा कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ पागल को समझाना सुने। क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस, लेने का भाव। हेलो तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी जल्दी। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को? शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। ट्रेन बेच रहे हो मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, इसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना है, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है? हाँ, तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 इज लकी। एक सेकंड, ए मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ रीवा एक्सप्रेस। खराब मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति है नखलो एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमाल, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, रीवा एक्सप्रेस, रीवा। चिल्ला क्यों डैम बना रहा है मेरे को? सच में बेच रहा हूँ, तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय हाय, दिस इज स्टीव। हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? आई एम डूइंग गुड। एक स्टीव, व्हाट डू यू नीड? आई वांट 4 प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म चाहिए? या काटेगा मेरा। चार नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है, कार सेट के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that will be cool. Cool, okay. Platform 16, sold. Thank you. It was a great deal. एक संपत्ति है, सीटे, उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ, ले जाओ, हेलो। बट दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहा था रौनक भाई, सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, एक सेकंड,
चुप रे हेड। एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बहुआ बोल रही हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूँ फिर? क्या चुप कर जाऊँ यार, वही चुप तो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा था, फोन रख दे। फोन नहीं देखो। हेलो हेलो, बउआ बोल रहे अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा, पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कर जाइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ, मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला साला चुप क्यों नहीं हो रहा, ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला क्यों? हां जी कौन? हेमंत सोनी पागल, ये बच्चा है पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम कम देखे। ए सुना तूने? चुप गया बच्चे ने, दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड तू बता, बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है? काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के तू फोन रखो, खराब कर दिया था। कोई मतलब नहीं, बात नहीं, अपनी मतलब। भाई आज बी आर रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई, नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन है जी? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोली है तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता तो मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार कुंकू। हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा। अच्छा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खंबा है ना? खंबा है वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। बीपी आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना, छोटा बनाना नहीं वो। पागल आदमी हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनानी समाज से ये विकृति हमें हटानी है। ओ विकृति के बाप। एक सेकंड बीपी। हाय जी। आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए? 1000 रुपए महीने का। 30,000? 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से जिंदा कैसे तेरा लिवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल, ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है। 54 लाख की शराब? लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। एक सेकंड, आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। मैं भाई बस कर जाओ। ऑल दैट कन्फर्म इज ऑल ओवर। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। ये है बीपी ऑन, इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए, सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल प्लेटफॉर्म डिसिलिगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल, एक सेकंड। सुनेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहचानने की क्या जरूरत है, मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता दूँ।
एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बोला हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? ए मरे नहीं है, मेरे गए दीदी के यहाँ नौचंडी मेले के बाद आएंगे। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ, वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं? आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं, एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा भे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? शीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? पेपर पे मुंह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो पेपर? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो आए वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। आई एम स्पीकिंग, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। पीछे हंस रहे आप? डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे क्षेत्रपाल। गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। आप बताइए, यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी, हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? अंडर द जनरल आर्मी अंडर डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पर इतना भटक गए तो नहीं भटकूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, बात करनी है आपसे दो मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन रख। हेलो फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहे? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहे? सॉरी गंदा क्यों बोल रहे आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है मतलब। सॉरी मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरा आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बता था ना, गलत बोले जा रहा है। गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया क्या? देख बताएगा नहीं कि मैं क्या बता। देख तेरी माँ की कसम फोन काटा तो एक सेकंड सॉरी थोड़ा सुन लो। हाँ बोक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा? हाँ तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे सर नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना, 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से कटवा रहा हूँ। हेलो, मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है। नर्स की क्यों बताइए? अबे तू बता मैं क्या बता, मेरे को क्या बता? क्योंकि उसको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है, तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे कसम, हेलो कसम ही कसम, हेलो फोन का, हेलो। घुमा के रही थी रौनक, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी पे बउआ ने मस्ती करी, सुनते हैं। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ। कौन भाई? कौन बउआ? मैं बउआ बोल रही, क्या हाल चाल है? क्या कह रहा हूँ भाई? सुनिए, जंगल में मोर नाचा। मोर? हाँ मोर क्या होता है जंगल में, कैसे नाचेगा मोर? पंछी होते ना मोर, मोरनी बगम। मोर होता है ढंग से तो बोल। अच्छा तो मैं डाको डा बोलता हूँ।
क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो नहीं, प्रॉब्लम पीस मोड नॉट माय जबान। ढंग से तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तो जंगल में मोड नाचा किसने देखा? तो मुझे क्या पता किसने देखा। नहीं, किसी ने तो देखा होगा, तभी तो पता चले कि नाच रहा है। कहावत है, ओहो, गंदी बात के बिना नहीं बोल सकते। अबे गंदी बात के बिना पागल हूँ जो तेरी बात सुनूंगा। देखो, जंगल में मोड नाचा किसने देखा और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी जंगल में आंगन जिसमें मोड नाचा और मोड टेढ़ा, पर देखा किसने वो टेढ़ा होगा। तू क्या मतलब क्या घुमाए जा रहा है? दो चीज दो कहावत है, दो तो गंदा क्यों बोल रहे आप जी? आज अच्छा सुनिए, अच्छा सर, किसी ने तो देखा होगा जंगल में मोड़ नाच रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई। देख, सिंपल है, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? यस, दैट इज द आंसर। किसने देखा, नाम ही किसने है? ना, इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी कैसे? सोचो जेटा, इमरान हाशमी। नहीं अच्छा, मैं लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इमरान हाशमी पिक्चर में क्या करता है? एक्टिंग करता है? नहीं, ये तो उसको भी लगता है कि वो एक्टिंग करता है, पर असली में क्या करता है? पप्पी लेता है। और पप्पी? ओह वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। पप्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस कहेंगे? तो जंगल में मोड़ नाचा, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? किसने देखा, यानी इमरान हाशमी ने। किस क्या बंदा यार तू यार, गए है कब? मैंने लॉजिक सही दिए ना? किसने लॉजिक अपनी बढ़ा लिया देखो फाज में यार। हेलो, गोली मार, गोली न बात। हेलो हेलो, हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बुआ बोलो। बुआ नहीं, वो फूफा की है, मैं बहुआ। हाँ हाँ बहुआ, ब उ आ, बड़ा आ। हाँ हाँ बहुआ। हाँ नहीं, आ आ आ। अबे बात किससे करनी है? आपसे। किसको फोन किया? आपसे करनी है, सुनिए। हाँ बोल। कोई काम धंधा शुरू करते हूँ, चलता ही नहीं है। करता नहीं होगा काम, तभी नहीं करता नहीं कर, बहुत करता हूँ मेहनत से। उस दिन यहाँ पे एक बिल्डिंग जल रही थी, आग लग गई थी। हाँ तो उसमें से मैंने 6 लोगों को बाहर निकाला, फिर भी मुझे जेल हो गई। बाहर निकाला तो जेल हो गई? हाँ जी, वो फायर ब्रिगेड वाले थे आज। नहीं, जैसे मैं जेल से निकला मैंने डिसाइड किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी डालूंगा। अबे साले खेला है क्या, गाड़ी डालेगा की गाड़ी है जो डाल देगा। मैंने डाला भी फायर ब्रिगेड का, लेकिन वो भी बंद करना पड़ा। क्यों? एक ऑडिट का फोन आया, जल्दी आई, आग लग गई, आग लग गई। अच्छा, मैंने कहा पानी डालो, पानी डालो। फिर वो बोली कि है क्या, अमर चित्र कथाएं चल रही है। बड़ा रोचक तरीके से सुन रहा है। सॉरी सॉरी, मैंने बोला पानी डालो, कह दिए पानी से भी नहीं बुझ रही है। मैंने कहा हम भी तो पानी डालेंगे, मैं गया ही नहीं। अबे अबे मानेगा नहीं भी आने, मैं कह रहा था तू देख सुन मेरी बात सुन, अब जो अगली बार तूने मुझे अगली बार नहीं, एक आखिरी चीज, ये सबसे थक हार के मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को काम पे भेजा, लेकिन उसको जिस दिन मैं ऑफिस से लेने गया मैंने क्या देखा? क्या देखा? वो अपने बॉस की गोद में बैठी है। क्या? मैंने कहा चल अभी नौकरी छोड़, मेरे साथ घर वापस चल, ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी है, कम ऑन। अच्छा किया, पहली बार तूने कुछ जीवन में सही काम किया। और क्या, ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करने जहाँ एम्प्लॉइज के लिए कुर्सी नहीं है बैठने को। अबे साले, नहीं हमारी भी इज्जत है। तू ही रख देना, बक बक कर दे, रख तू रख। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बहुआनी बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई, एक सेकंड। हेलो, ये क्या हो रहा है भाई? कौन? नहीं देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई, ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई, अभी आनंद देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेड गॉड, आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अरे आनंद नहीं आता, मेरा गुस्सा आता है। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हनी सिंह को दादा साहेब मार्के अवार्ड मिला है। दादा साहेब मार्के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? सॉरी मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय, ठीक है दिमाग मत खराब कर मेरा।
बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा था। अजी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ कसम से। बाबू मोशाई छी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। आनंद को एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब, इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के, इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। बाबू मोशाय आनंद को मत बोलो, आज आज काट दिया फोन यार, वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, क्या इस पे बहुआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो हेलो जी, कौन? बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ बोल रहा हूँ, एक मिनट चाहिए था। हेलो, क्या हो गया? दो दो, एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे फिर थोड़ा जोक सुना दे। एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ। एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना भूल। अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता, तू क्या है, तूने गोली खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए। हेलो, एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुन रहा यार, तू फोन रख। सुनिए प्लीज। अरे एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा, जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या? नहीं ये पूरा तो करने दे ना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है, जो पापा को 2 रुपया देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे हैं आप? और सब सही चल रहा है? अरे ओ बेवकूफ, डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन, दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं। हाँ। जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है। हाँ। कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है। हाँ। ये सब पूछा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ कर दे, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ हाँ कर दे, पूछे। सॉरी, तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। ए मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ। हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोल दे ए आए आओ आए आ, क्या है मतलब इसमें? हाँ। अरे इसको मतलब क्या है, वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया, वो कर रहा है। अच्छा, खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या आंसर में? क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं खा दो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ करके संगीत में संगीत क्या है क्या नहीं, क्या नहीं है? सुनिए एक और गाना है। हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं मतलब, प्लीज। क्या बताओ? प्लीज। हाँ। कोयल सी तेरी बोली, इसमें इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए एक सेकंड रुकिए, ये गाना सुना आपने? सुना है। इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया। अच्छा ठीक है, ये तो बता इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक शॉट। हेलो,
आज शाइन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है, अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोले इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल, मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं आया और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना? अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना, मेरी सुन, मेरी सुन, बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा, एक सेकंड, पापा अंकिल सुबह लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा? अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो, तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या, मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई? एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके, और ये नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग टॉकिंग, तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, पापा के सामने पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। फोन कट दिया, फोन क्यों कट दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं बोल रही हूँ ना, पड़ोसी का नाम छोड़िए, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब काम बोल तू। सॉरी, नहीं, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है, तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ। अच्छा जी, सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना, आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता, तो मैं नाम बदल दूंगा। ले ले तू, ले तू। हेलो, मैं है, काट दिया। हाँ यार पुट्टू, तूने फोन काट दिया। पुट्टू कौन? पुट्टू नहीं बोल रहा है। मैं बउआ बोल रहा हूँ, पुट्टू। तो तू बउआ बोल रहा है, मेरा नाम पुट्टू थोड़ी ना। फिर देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन काटा तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये छोटी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अब तू चुप। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, कौन? सुरभि बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं, आप कौन? नहीं, आपका यही है ना, B4/3 सरिता विहार। हाँ, वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अजी नहीं मैडम, मैंने दी थी पुट्टू। नहीं नहीं, पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। गलत नहीं, पुट्टू तू दिलावर, दिलावर ने। हेलो हेलो, एकदम भरोसे, हाय हाय। अबे तू, तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के एकदम भरोसे। तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा है? एक सेकंड, हेलो, शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस अपने बाप के घर का। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप? मेरा बाप दिलावर है, आज तक कभी बताया नहीं पापा ने। हम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू, सॉरी।